एनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फुटाला लेक पर बढ़ा हादसों का डर, महंगे सिलेंडर ने बढ़ाया रेस्टोरेंट वालों का टेंशन, डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखते हुए नियमों का पालन करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिटी अनलॉक होने के बाद फुटाला तालाब पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। शाम को 4 बजे तक बड़ी संख्या में लोग यहां पर परिवार के साथ समय बिताने और लेक का नज़ारा देखने पहुंच रहे हैं। लेकिन फुटाला लेक की टूटी हुई दीवार हादसों को न्योता दे रही है। यहां पर किसी तरह का सुरक्षा घेरा भी नहीं है। फुटाला तालाब के सामने ही बाउंड्री टूटकर तालाब के अंदर गिर चुकी है। वहीं उस स्पॉट पर पूरी बाउंड्री क्षतिग्रस्त है। यहां पर रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, जिससे कभी भी यह हादसे का कारण भी बन सकता है। फिलहाल जहां पर बाउंड्री टूटी है वहां पर मवेशियों के तालाबों में आने जाने का रास्ता ही बना दिया गया है। वाहन आता है तो सीधा तालाब में गिर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर बैरिकेड्स भी नहीं लगाया गया है, जिससे लोगों को पता चले कि यहां की बाउंड्री टूट गई है। फुटाला तालाब में किए गए सौंदर्यकरण कार्यों का हाल बेहाल है। बाउंड्री टूट चुकी है, तालाब में अब मवेशी नहा रहे हैं। जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिससे कभी हटाया नहीं जाता। तालाब के अंदर ही भारी गंदगी है। दूसरी खबर, पहले कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की मार झेल रहे रेस्टोरेंट संचालकों पर फिर से कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दामों ने झटका दिया। कंपनियों की ओर से घरेलू के साथ ही 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पहले कमर्शियल सिलेंडर 1608 रुपए में था, अब इसके दाम में करीब 84 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस तरह सिलेंडर 1692 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों को प्रोडक्शन में खर्चे बढ़ने का बोझ उठाना पड़ रहा है। इस कारण छोटे से बड़े होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का घाटा लगातार बढ़ रहा है। इस महंगाई की आंच ग्राहकों तक पहुंचने लगी है। अब होटलों में नाश्ता और खाना महंगा हो गया है। जो समोसा या अन्य नाश्ता 25 रुपए प्लेट मिलता था, अब वह 30 रुपए मिल रहा है। तीसरी खबर, राज्य में कोविड डेल्टा प्लस वेरियंट मरीज मिला है। जिले के नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को त्रिसूत्रीय नियम जैसे कि मास्क का उपयोग, सुरक्षित दूरी का पालन व सैनिटाइजर का इस्तेमाल, इन नियमों का पालन करने की आह्वान पालक मंत्री नितिन राउत ने किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर भले ही खत्म हो गई, परंतु नागरिकों को नियमों का पालन करना चाहिए। प्रशासन टीकाकरण के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रहा है। टीकाकरण के साथ ही सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर प्रशासन को सहयोग करें। पालक मंत्री ने कहा कि जिले में कोविड की चेन को तोड़ने के लिए संदिग्ध लोगों की जांच संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर किसी नागरिक को कोविड लक्षण होने की आशंका होती है तो तत्काल कोविड जांच कराए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।